नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट सौरभ टेक्निटर से। आज मैं आपके सामने फ्लाई का स्नैप डिवाइस लेके आया हूँ। इस डिवाइस की अनबॉक्सिंग मैं पहले ही कर चुका हूँ और इसके बारे में आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। इसकी फीचर जो है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसमें जो फीचर्स हैं वो। इसकी जो प्रोसेसर है वो है 1.3 GHz क्वाड कोर प्रोसेसर। इसके अंदर जो इंटरनल मेमोरी है वो है 4 GB की और रैम जो है वो है 512 MB की। इसका जो फ्रंट कैमरा है वो 2 MP का है और जो बैक कैमरा है वो है 5 MP का विथ फ्लैश। इसमें जो बैटरी लगी हुई है वो है 1500 mAh की बैटरी है, जिसको कि आप निकाल सकते हो। ये फ़ोन जो है आपको एंड्रॉयड के किट कैट 4.41 वर्जन पे आता है और इसकी जो स्क्रीन साइज है वो है 4 GB। इस डिवाइस में जो है वो डुअल सिम डिवाइस है और इसमें जो जो डुअल सिम डिवाइस है उसमें आप एक नॉर्मल सिम यूज़ कर सकते हो और इसमें एक आप माइक्रो सिम यूज़ कर सकते हो। इस तरीके से मैं आपको ये भी बताऊंगा कैसे आप यूज करोगे। इस डिवाइस में के थ्रू आप को आप वाईफाई के थ्रू भी चला सकते हो, आप FM रेडियो भी सुन सकते हो, MP3 सॉन्ग्स भी सुन सकते हो और MP4 वीडियो भी देख सकते हो। और सबसे अच्छी खासियत इस फ़ोन की ये है कि ये 3G पे इसको आप कनेक्ट भी कर सकते हो। अब इस बॉक्स को खोलने से पहले मैं आपको इसकी प्राइस भी बताता चलूँ, ताकि आपको जब मैं इसको पूरे रिव्यू दूंगा तो आपको लगेगा कि हाँ, इतने कम और रिजनेबल प्राइस में इतने सारे फीचर्स इस डिवाइस के अंदर है। तो इसके बैक यहाँ पे ये जो साइड में ये जो प्राइस लिखी हुई है, मैं यहाँ पे जूम करता हूँ। इसके अंदर जो प्राइस लिखी हुई है वो है 3,099 रुपये की। यानी इतने कम दाम पे आपको डुअल सिम डिवाइस, जिसमें कि एक मैक्रो और नॉर्मल सिम आप यूज़ कर सकते हो, 4 GB रैम, हाँ 4 GB इंटरनल मेमोरी है, 5 MP बैक कैमरा और 2 MP फ्रंट कैमरा है और इसमें वाईफाई भी है, FM रेडियो भी है, सब बहुत सारी फीचर्स है। अब मैं इस फ़ोन को ओपन करूँगा और मैं आपको मैं बताऊँगा कि इसके अंदर क्या क्या है। इसके अंदर ये हमें स्मार्टफोन इसके अंदर और हमें मिलता है चार्जिंग कॉर्ड, चार्जिंग एडेप्टर, हेडफोन, स्टिकर्स, वारंटी कार्ड, फ्लाई की और यह है यूजर मैनुअल। ये अब मैं इस फ्लैप को हटाता हूँ। अब इसके बैक पैनल को मैं ओपन कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि इसका 5 MP इसका बैक कैमरा है जो कि फ्लैश के साथ है। ये देखिए 5 MP उस फ्लैश, यहाँ पे फ्लाई का लोगो है, यहाँ स्पीकर है। राइट हैंड साइड पे आप देखोगे कि ये वॉल्यूम रॉकर की है, जिससे आप आवाज़ को बढ़ा या घटा सकते हो। और इसके नीचे ये छोटी सी जो बटन है, इससे आप इस डिवाइस को लॉक और अनलॉक या फिर स्विच ऑन और स्विच ऑफ कर सकते हो, मतलब कि बंद और खोल सकते हो। ऑपर में यहाँ पे आप 3.5 mm ऑडियो जैक का ये स्लॉट है। यहाँ पे आप गाने या फिर FM रेडियो को सुनने के लिए या फिर किसी से अगर आपको ईयरफोन के थ्रू बात करनी है, ये होता है ईयरफोन, ईयरफोन के थ्रू आपको बात करनी है तो यहाँ पे आप इस कॉर्ड को इंसर्ट करोगे, ये वाली कॉर्ड है। और यहाँ पे आप चार्जर चार्जिंग वायर को आप इंसर्ट करोगे, जो कि ये है। और इसके यहीं से आप अपने इस फ़ोन के थ्रू जो भी लिए गए पिक्चर्स या वीडियो है, अपने लैपटॉप या फिर जो आपके पास कंप्यूटर है उसमें इसके डेटा को उसमें आप डाल सकते हो इसी के थ्रू, इस कॉर्ड के थ्रू। तो दोस्तों, अब मैं इसके बैक पैनल को ओपन करता हूँ और मैं दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या है। या ये हमारा बैक है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी बैटरी रिमूवेबल है, ये देखिए मैंने इसे निकाल दिया। इसमें 2 स्लॉट हैं, एक नॉर्मल सिम के लिए, ये देखिए इसको मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, और ये माइक्रो सिम के लिए, जिसको कि मैं यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पे आपको मेमोरी की स्लॉट है, तो यहाँ पे आप मेमोरी कार्ड इंसर्ट करके इस डिवाइस में एक्स्ट्रा मेमोरी आप बढ़ा सकते हो। अब मैं इस डिवाइस को ऑन कर रहा हूँ, ये देखिए ये ऑन हो रही है डिवाइस, ये देखिए ये फ्लाई का लोगो,
ये इसकी स्क्रीन है, होम स्क्रीन। ये देखिए कितना अच्छा इसका लुक है ये। अब हम इसके सेटिंग एरिया के अंदर जाएंगे और देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या है। सबसे पहले हम अबाउट फोन एरिया में जाते हैं। यहाँ सबसे ऊपर आप देखोगे, मैं इसको जूम करता हूँ, आप हाँ, सबसे ऊपर जो है यहाँ वायरलेस अपडेट है, फिर स्टेटस है, फिर लीगल इन्फॉर्मेशन है, मॉडल नंबर स्नैप है, एंड्रॉयड वर्जन 4.4.2 है। और इसके अंदर अब हम सेटिंग्स के अंदर जाके देखेंगे कि इसके अंदर और क्या क्या है। सबसे ऊपर आप देखोगे कि ये डुअल सिम लिखा हुआ है, उसके बाद वाईफाई, ब्लूटूथ, डेटा यूजेज, ऑडियो प्रोफाइल, डिस्प्ले, स्टोरेज। स्टोरेज के अंदर हम जाके देखते हैं कि हम हमारे लिए कितना स्टोरेज है। अवेलेबल स्टोरेज यहाँ पे 1.5 GB दिखा रहा है, और तो यानी हम 1.5 GB तक यूज कर सकते हैं। बैक। इसके बाद हम आपको इस फोन का जो सबसे अच्छा फीचर, जो कि मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया, वो है स्मार्ट वेक। ये स्मार्ट वेक एक ऐसा फीचर है जिससे कि आपकी अगर डिवाइस अगर लॉक भी है, और जैसे इस तरीके से लॉक है, और अगर आप चाहते हो कि इस पे मैंने दो क्लिक किया तो ये देखिए डिवाइस इस तरीके से ऑन हो जाएगी। अब मैंने फिर इसे लॉक किया, अगर मैं इसके ऊपर ओ लिखूंगा ऐसे, तो यहाँ पे आपको एल्बम एरिया ओपन होगा। अगर मैंने यहाँ पे सी लिखा तो कॉन्टेक्ट एरिया खुलेगा। तो ये इस फोन की इसके सबसे अच्छी फीचर्स हैं, क्योंकि ये इस फोन की प्राइस भी बहुत कम है, और ये फीचर्स बहुत आजकल बहुत ही महंगे महंगे फोनों में मिल रहे हैं, तो ये फीचर्स मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इसके अंदर बैटरी के अंदर भी आपको यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे आपको दिखेगा कि 37% बैटरी रिमेनिंग है। इसके चेकबॉक्स ये जो स्क्वायर टाइप से दिया हुआ है वहां पे आपको साइन, इस पे आप क्लिक करोगे तभी आपको डिस्प्ले करेगा। तो ये सब सेटिंग्स एरिया के अंदर की चीजें थी जो मैंने आपको बताया। अब मैं इसके कैमरे के अंदर जाऊंगा और इसके जो कैमरे के जो फीचर्स हैं वो आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले हम कैमरे के अंदर हैं, और मैं आपको इसके जो सेटिंग्स है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। सेटिंग्स कैमरे के सेटिंग्स के अंदर पिक्चर साइज है, पिक्चर क्वालिटी, स्क्रीन मोड है, बर्स्ट है, वाइट बैलेंस है, कलर इफेक्ट, स्टोरेज लोकेशन है, ISO, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, ये सारे फीचर्स हमारे फोटो कैमरे के अंदर जो फोटो है उसके सेटिंग्स के अंदर है। अब हमें वीडियो की सेटिंग्स के बारे में जानना है, तो उसके लिए हम वीडियो पे जाएंगे। और वीडियो पे जाने के लिए अब हम वीडियो पे आ गए हैं। अब यहाँ इसकी सेटिंग्स के अंदर जाएंगे और देखेंगे, ये हम देखते हैं यहाँ पे वीडियो क्वालिटी। वीडियो क्वालिटी जो है वो HD 1080p है, 1080p, ये देखिए आपको दिख रहा होगा। उसके बाद 720p, 720p है। तो इस फोन के थ्रू आप HD वीडियो भी बना सकते हो, और आप 720 पे बेस्ड नॉर्मल वीडियो भी बना सकते हो। और मैं आपको इसके द्वारा खींचा गया एक दो फोटो मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो कि मैंने रिव्यू के दौरान खींचा था, ये देखिए। और अब मैं इस फोटो को लार्ज कर रहा हूँ, और आप देखोगे कि ये जो फोटो जो स्नैप लिखा हुआ है, और ये मैंने इंडोर में अभी रिव्यू करने के दौरान खींचा था, तो इसकी क्लैरिटी आप देखो। और सबसे बड़ी बात है कि ये एक बहुत ही लो बजट फोन है, तो आप अगर सोचो कि इससे बहुत ही अच्छी इसकी डिफिनेशन आए और कैमरे से फोटो बहुत ही अच्छी आए, तो वो तो नहीं है। लेकिन हाँ, अगर विजिबिलिटी मीन्स कि अगर रोशनी अगर कमरे के अंदर या फिर बाहर बहुत ही अच्छी है, तो ये कैमरा इसके कैमरे के थ्रू आप अच्छे फोटो ले सकते हो। लेकिन ये कोई भी स्मार्टफोन होते हैं या कोई भी फोन होता है, केवल उसका काम फोटो लेना नहीं होता, उसका काम और भी दूसरे दूसरे चीजों को करना होता है, जैसे कि कॉल की क्वालिटी कैसी। तो हमने इस पे कॉल लिया था, कॉल की क्वालिटी बहुत अच्छी है। और दूसरी बात रही बैटरी बैकअप, इसमें 1500 mAh बैटरी है, लेकिन इसका बैकअप ठीक है, आप आराम से इसको एक दिन यूज कर सकते हो। और जो तीसरी बात मुझे सबसे अच्छी लगी कि इस डिवाइस को आप वाईफाई के थ्रू भी जोड़ सकते हो, जैसे कि ये देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए ये वाईफाई के थ्रू कनेक्ट है। ये टेक्निटो.com जो कि हमारा वाईफाई का नाम है, इसके थ्रू कनेक्ट है। तो अब मैं इसको दिखाऊंगा कि कोई भी वेब पेज में ओपन करके मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए।
ये देखिए हमारी वेबसाइट यहाँ ओपन हो गई है। तो इस डिवाइस की एक खासियत मुझे बहुत ही अच्छी लगी कि इसके एक तो लो इस डिवाइस का दाम बहुत कम है और ये इसके अंदर 3G भी है, वाईफाई भी है और इसके अंदर आप 3G सिम भी आप यूज कर सकते हो। अब मैं इस मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके नोटिफिकेशंस में क्या क्या है। इसके नोटिफिकेशंस में सबसे ऊपर आपको वाईफाई है, उसके बाद ब्लूटूथ है, फिर डेटा। ये डेटा आपको वो होता है जो कि आपके सिम कार्ड के थ्रू आप जब इंटरनेट चलाते हो तब इसके ऊपर ऑन करते हो तो डेटा इनेबल होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे छोटा सा मैं जूम करता हूँ, यहाँ पे ई लिखा आ रहा है, इस जगह वाईफाई के आइकन के बगल में ई लिखा आ रहा है। इट मीन्स कि मेरे मोबाइल का डेटा भी यूज हो रहा है, साथ में वाईफाई के थ्रू भी नेटवर्क आ रहा है। तो इसको मैंने ऑफ कर दिया। अब मैंने आप देखोगे कि यहाँ पे अब डेटा ऑफ हो चुका है। उसके बाद आपको वॉल्यूम है, फिर लोकेशन है, इसके थ्रू आप ये पता कर लोगे कि अभी आप किस जगह पे हो, गूगल लोकेशन। अब मैंने इसे एग्री किया, अब आप देखो यस गूगल प्ले से वो करके वो आपकी वो लोकेशन वहाँ पे वो दे देता है। उसके बाद ब्राइटनेस है, फ्लाइट मोड है और रोटेशन है। तो ये सारे फैसिलिटी इस फ़ोन के अंदर है। तो दोस्तों ये मेरा इस फ़ोन के साथ रिव्यू अब समाप्त होता है। अगर आपको इस फ़ोन के बारे में और कोई भी जानकारी जाननी हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो। मेरी ईमेल आईडी है technitor@gmail.com, और या फिर आप इस रिव्यू के नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे भी आप अपने क्वेश्चन को आप टाइप कर सकते हो, मैं उसका आंसर मैं आपको दे दूंगा। इस वीडियो को लाइक करना आप भूलिएगा नहीं, और मेरा जो चैनल जो कि टेक्न्यूटर है इसको भी आप सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को आप अपने सोशल मीडिया नेटवर्क पर शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को देखें और इस डिवाइस के बारे में जानें कि इतने कम प्राइस में इतनी सारी फैसिलिटी इस डिवाइस के अंदर है, इस स्मार्टफोन के अंदर है। ओके दोस्तों, अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। साइन और आप, बाय, टेक केयर, थैंक यू।